Hello everybody, this is A.S. Pandit here, and today the topic which we are going to discuss is all about shear force and bending moment diagram. ये shear force bending moment diagram का topic बहुत important था और बच्चों ने सबसे ज्यादा इसी topic पे demand किया था, likes और comments सबसे ज्यादा इसी topic को लेके आए थे. जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हुए उनको मैं बता देता हूँ, I want to tell you all कि every week what we do is that whatever topic you will post below the video, out of those topics the topic which will get maximum like उसको हम select करते हैं उनमें से तीन topic को, और हम अपने channel के community tab में, एक community tab है उसमें poll चलाते हैं, जिस topic को सबसे ज्यादा voting होती है उसको हम class में discuss करते हैं. अब shear force bending moment diagram का topic आया है discussion के लिए, और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही important और बहुत ही conceptual topic है. गेट IES SSC किसी भी जगह ले लो, यहां तक कि RRB का केस भी ले लो, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है इसके अंदर. फाइन, हम लोग इस टॉपिक को, बहुत बड़ा टॉपिक है, पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे. क्लास के साथ कनेक्शन बना के रखोगे, क्लास कोशिश करो जिस टाइम पे आए उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीजें मैं बताता जाऊं उसको नोट करते जाओ. फाइन, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो, बहुत बड़ा वाला डबल जीरो लेके अपने दिमाग में चलना है, कुछ नहीं आता है. मुझे फालतू के कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं चाहिए कि सर ये ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, जैसे भी होता है यहां जैसे होगा वैसे ही करना है, वैसे ही होगा तो अच्छा होगा, वैसे ही समझना है दिमाग के अंदर. फाइन, बात कर लेते हैं टॉपिक की. देखो टॉपिक जो है ये डायरेक्टली मैं आपको शियर फोर्स कैसे बना दूं, भाई कैसे समझा दूं कि शियर फोर्स डायग्राम ऐसे बनता है, बेंडिंग मोमेंट ऐसे बनता है, तो वो तो हटा दो, बेसिक से हम चलेंगे. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर, अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर कितने टाइप की फोर्सेस लग सकती हैं, कितने टाइप की फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं. ठीक, ये मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है, ये मेरा हाथ है, मान लो ये मैंने, ये कोई बॉल है या कोई भी स्ट्रक्चर है ऐसे मान लो, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे लोड लगाता हूँ, एक्सटर्नल लोड लगाता हूँ, और ये जो मेरा हाथ है ये मैंने इस सपोर्ट पे रखा हुआ है, ये सपोर्ट है, ये मेरा हाथ है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, कोई भी चीज है, ऊपर से लोड लग रहा है. जब ऊपर से लोड में इसके लगा रहा हूं तो लोड में जितने तरीके से लगा सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कनेक्शन बना के चल रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लोड लगा सकता हूं, मैं ऐसे लोड लगा सकता हूं, मैं इसको घुमा सकता हूं, जितने भी तरीके से मैं लोड लगा रहा हूं, और अगर ये स्ट्रक्चर ना तो इस लोड की वजह से नीचे जा रहा है, ना ही इस लोड की वजह से इधर जा रहा है, ना ये इस लोड की वजह से ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया ये जो स्ट्रक्चर है ये जिस सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है वो जिस सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है, वो सपोर्ट जितने भी फोर्सेस आप लगा रहे हो उन सब फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन डेवलप करने के कैपेबल है. इट मींस दैट इफ दिस इज अ स्ट्रक्चरल बॉडी व्हिच इज बीइंग प्लेस्ड ओवर अ सर्टेन सपोर्ट एंड द लोड इज एक्टिंग लाइक दिस लाइक दैट, और इफ अ रोटेटरी मूवमेंट समथिंग लाइक दैट ऑल्सो इज एक्टिंग, एंड अगेन इफ ऑल दीज लोड्स आर एक्टिंग एंड स्टिल द बॉडी इज स्टेबल, स्टेबल स्टेबल मतलब हिली नहीं है, स्टिल द बॉडी इज स्टेबल विच इज रेस्टिंग ओवर अ सर्टेन सपोर्ट, इट मींस दैट द सपोर्ट हैज द कैपेसिटी टू हैंडल ऑल द फोर्सेस. इट मींस दैट इन ऑर्डर टू हैंडल द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल लोड द बॉडी हैज टू डेवलप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एटलीस्ट कम से कम इक्वल तो होना चाहिए. ज्यादा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है. आप इस चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, अगर चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, आपका वेट मान लो, मैं कह देता हूं योर वेट इज 80 kg, लेट्स से दैट यू आर अ हैवी वेट पर्सनालिटी, और 90 kg इज अ हैवी वेट पर्सनालिटी, लेट्स से दैट यू आर जस्ट सिटिंग ऑन अ चेयर, इट मींस दैट, और चेयर रखी है एक सपोर्ट के ऊपर, आपके वेट की वजह से वो चेयर नीचे नहीं जा रहा, इट मींस दैट द सपोर्ट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट 80 kg, एंड हाउ इट इज हैंडलिंग, इट इज डेवलपिंग अपोजिट रिएक्शन विच इज ईदर इक्वल टू दैट ऑफ 80 और मोर देन दैट ऑफ द वेट विच यू आर having. It means that you'll say that the body is stable. Dhyan se sunna. You'll say that if the body is stable when the number of external reaction, when the number of external reaction are such that, when the number of external reactions are such that they can handle all the effects of external forces. एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी कुछ कर सकती हैं, अगर उन सबको हैंडल करने की एबिलिटी सपोर्ट में है, काबिलियत सपोर्ट में है, तो वो सारी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर देगा और बॉडी स्टेबल हो जाएगी. तो भाई बाहर से कितने तरीके से लोड लग सकता है वो भी हम समझ लेते हैं. हम एक बेसिक सी एक्सिस लेके चलते हैं, बेसिक सा एक्स वाई प्लेन लेके चलते हैं, एक्स वाई प्लेन लेके चलते हैं. इस प्लेन की अगर आप बात करोगे और मैं आपसे बोल रहा हूं कितने तरीके से लोड आ सकता है, तो आप मुझे सीधा सीधा बोल दोगे कि सर एक्स वाई प्लेन है तो या तो ऐसे वर्टिकल लोड आ जाएगा
या तो ऐसे लोड आ जाएगा या फिर इधर से लोड आ जाएगा या इधर से लोड आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है, या तो ऐसे लोड आ जाएगा या ऐसे लोड आ जाएगा। इसका मतलब अगर बॉडी को एक्स वाई प्लेन में अगर आप लेके चल रहे हो इन जनरल केस में, तो बॉडी या तो ऊपर से नीचे ऐसे मूव कर सकती है या ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, दो चीजें हो सकती हैं। या फिर अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो आपकी तरफ जाने वाली जेड एक्सिस होगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इफ दिस इज वाई एक्सिस, दिख रहा है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, द एक्सिस व्हिच इज कमिंग, जो स्क्रीन से बाहर निकल के आपके सर पे जाके टकरा रही है, वो जेड एक्सिस है। अगर मैं लोड को यहां से लगा रहा हूं ऐसे करके, ऊपर से लोड आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ऊपर से लोड आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो या तो बॉडी नीचे चली जाएगी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल खिसक जाएगी, या फिर ये लोड इसको ऐसे करके मोड़ देगा, या फिर ये लोड इसको ऐसे करके मोड़ देगा, ऐसे करके मोड़ देगा। जब मोड़ देगा तो एक एक्सिस के अबाउट मोड़ना आ रहा है। अभी हम टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल फोर्स का नाम ही नहीं ले रहे कि मोमेंट होता है या वो क्या होता है, मोड़ना आ रहा है, मुड़ रही है बॉडी। बॉडी को तो नहीं मुड़ना है, इसका मतलब सपोर्ट नीचे लगा हुआ है, तो अगर सपोर्ट बॉडी को ऊपर से नीचे भी नहीं जाने देगा तो नीचे से ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर से इधर भी नहीं जाने देगा तो इधर से इधर फोर्स लगाएगा, और ऐसे भी नहीं मुड़ने देगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा। इसका मतलब अगर बॉडी में सपोर्ट जो लगा है वो सपोर्ट बॉडी के ऊपर डेवलप होने वाली सारी फोर्सेस को हैंडल करेगा, तो कम से कम उसको कितनी रिएक्शन डेवलप करनी पड़ेगी, जनरली बताओ कितनी रिएक्शन डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसे को रोकने के लिए, ऐसे को रोकने के लिए, ऐसे को रोकने के लिए। तीन इक्वेशन, उनको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलती है कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, इसको खिसका देते हैं क्योंकि ये जगह घिर रहा हमारी, इसको खिसकाना है, उसको नहीं खिसकाना है, तो खिसक जाओ। हाँ, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड तीसरा क्या था, मोड़ना, तीसरा क्या था, मोड़ना था, किस एक्सिस के अबाउट मोड़ रहा था, जल्दी बताओ, जेड एक्सिस के अबाउट, एक्स वाई जेड। कोई भी कॉपी पेज ले लो, ये ले लो फॉर एग्जाम्पल, यही तो मजा है सामने बिठा के समझाने का। ये जेड एक्सिस है, किस एक्सिस में मुड़ गया ये, किस एक्सिस में मुड़ गया ये, ये जेड एक्सिस में मुड़ गया ना, इट मींस दैट मुड़ना नहीं चाहिए, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू जीरो, जेड एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ये समेशन क्या है, ये सब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर डेवलप आने जितनी भी फोर्सेस है वो जीरो होना चाहिए, मतलब इधर से जो फोर्स लगी सपोर्ट ने उतनी वापस दे दी, जीरो, कैंसिल, हिला ही नहीं, इधर से जो फोर्स लगी सपोर्ट ने उतनी वापस दे दी, जीरो, कैंसिल, हिला ही नहीं, इधर से जो मोमेंट आया सपोर्ट ने उतना मोमेंट दे दिया, जीरो, कैंसिल, हिला ही नहीं, तो स्टेबल, नहीं हिलोगे तो स्टेबल। इट मींस दैट इफ द सपोर्ट व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द बॉडी इज एबल टू डेवलप एट लीस्ट थ्री रिएक्शन और मोर देन थ्री रिएक्शन, देन द बॉडी इज सेट टू बी स्टेबल, कम से कम तीन होनी चाहिए। फाइन, क्यों बताया मैंने, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको वहां पे रिएक्शन देख लेनी है कि एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, तीन या तीन से ज्यादा है, देन फाइन इट्स गुड, हैंडल हो जाएगा। ठीक है भैया, ये बात हो गई। अब बात करते हैं एक और, इसमें एक ही और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, एक और चीज आता है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, छोटे छोटे पार्ट से चलेंगे, बेस बेस से, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, कि भैया डिटरमाइन कर सकते हो चीजें या डिटरमाइन नहीं कर सकते चीजें। तो हमारा हो गया डिटर्मिनेसी या फिर इनडिटर्मिनेसी, क्रॉस कर देते हैं। डिटर्मिनेसी का मतलब ना, नाम देखो, संधि विच्छेद, डिटर्मिनेट, डिटरमाइन, अगर जो रिएक्शन सपोर्ट डेवलप कर रहा है, ध्यान से सुनना, जो रिएक्शन सपोर्ट डेवलप कर रहा है, द रिएक्शन which a support is developing, those reaction, if you can determine, if you can calculate the value of those reaction, then your body or the structure is said to be a determinate structure. Determinate, pata kar liya. And if you are unable to determine those reaction, then the body is said to be indeterminate structure. Nahin kar sakte pata. Pata kab nahin kar sakte. Aur kab kar sakte ho. You have three equilibrium equation. Kya kya tha? Summation fx0. समेशन एफ वाई जीरो, साइड नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, समेशन एम जेड जीरो,
तीन इक्वेशन, कितनी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो इससे, कितने अननोन, हाउ मेनी अननोन यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दीज थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन. यू कैन कैलकुलेट ओनली थ्री अननोन वैल्यूज. इट मींस दैट इफ आई कैन कैलकुलेट ओनली थ्री अननोन वैल्यूज यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस, एंड इफ द नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, इफ द नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन विच आर डेवलप एट द सपोर्ट आर मोर देन थ्री, अगर रिएक्शन तीन से ज्यादा होगी तो बॉडी स्टेबल है कि अनस्टेबल. रिएक्शन सपोर्ट दे रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है नीचे से, अगर ज्यादा हो गई तो रिएक्शन ज्यादा हो गई तो बॉडी क्या है, स्टेबल है, ज्यादा है ना. नीचे से ताकत लगाने वाले 10 लोग खड़े हैं, ऊपर से लोड आने वाला 8 लोगों का है, तो 10 लोग तो रोक ही लेंगे उसको. कब गिरेंगे, जब नीचे से 6 लोग सपोर्ट लगाएंगे, ऊपर से 8 लोगों का लोड आएगा. बट नीचे से 10 लोगों का आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऊपर से 6 और नीचे से 10, तो इन 6 का जो लोड आ रहा है वो ये 6 न्यूट्रलाइज करेंगे, ये बाकी का बचा हुआ कैसे पता करोगे. वही सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन, थ्री अननोन, वी कैन कैलकुलेट, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द रिमेनिंग रिएक्शंस विच आर एक्स्ट्रा रिएक्शन, विच आर सेड टू बी, विच आर सेड टू बी एक्स्ट्रा रिएक्शन, एंड विच मेक्स द डिटरमिन, विच मेक्स द बीम इनडिटरमिनेट, इनडिटरमाइन, नहीं कर सकते डिटरमाइन. इट मीन्स दैट इफ द नंबर ऑफ रिएक्शन, इन जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा डेप्थ में अभी बाद में जाएंगे. In general condition, if the number of external reactions are more than that of the equilibrium equation, then you cannot determine the remaining extra reactions other than the use of three equilibrium equations, and those extra reactions denote the degree of indeterminacy. Ek extra hai to 1 degree, 2 extra hai to 2 degree, 3 extra is there, 3 degree. It means that the number of extra reactions which you cannot calculate give you the degree of indeterminacy. That's it. Stability and indeterminacy, determinacy ka basic concept we have covered. Load lagaya, structure ko nahi hilna hai, sare support se reaction aagi, jitni reaction aagi, kam se kam 3 aayengi, 3 se zyada aayengi, bahut achhi baat hai, kam aayengi to structure, jidhar se reaction nahi aayega, wahin se tootega. Moment ka rehandle kar paya to mur jayega. Fine. Bahut achhi baat hai. But, agar zyada reaction aagi, to zyada wali ko pata kaise karo, pata karne ke liye to 3 hi cheeze hai, bhaiya, equation to 3 hi hai na. To bacha hua kya hua? Indeterminate ho gaya. Ye bhi samajh mein aa gaya. अब बात करते हैं नेक्स्ट, बेसिक चीजें हमें समझ में आ गई. अब बात कर लेते हैं यार कि फोर्सेस क्या क्या होती हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं. फोर्स से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, अगर समझना चाहो तो. समझने के लिए हमारे पास, देखो हम लोग को एक चीज पता है, व्हाट वी नो इज दैट वी नो कि स्ट्रक्चर शुड बी स्टेबल, व्हाट एवर वी हैव टू डिजाइन अ स्टेबल एंड बेस्ट स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन गिव. फाइन, तो अगर आप सपोर्ट्स की बात करोगे कि सपोर्ट कितने तरीके से हो सकते हैं, तो सपोर्ट का मतलब होता है जो किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है. सपोर्ट क्यों लगाते हो, सपोर्ट क्यों लगाते हो, रिएक्शन डेवलप करने के लिए. क्यों, क्योंकि ऊपर से लोड आ रहा है, उसको हैंडल करने के लिए सपोर्ट ही डेवलप करेगा रिएक्शन. एक्सटर्नल रिएक्शन की बात हो रही है, बाहर से लगने वाला सपोर्ट की रिएक्शन की बात हो रही है. इसका मतलब हमारे पास तीन तरीके के ऊपर से लोड आ रहे थे या इफेक्ट आ रहा था, ऐसे मान लो. एक था वाई डायरेक्शन वाला वर्टिकल, एक था एक्स डायरेक्शन वाला हॉरिजॉन्टल, एक था मूवमेंट. इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे को कम से कम ऐसा कोई सपोर्ट चाहिए जिसको तीनों चीजें रोकने का दम रखता हो, विच हैव द कैपेसिटी टू हैंडल ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो लेट्स सी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव इज दैट द सपोर्ट विच, इन जनरल सपोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, बाकी हम डेप्थ पे पढ़ेंगे. हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट. नाउ व्हाट इज हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट को बनाया जाता है, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द हिंज सपोर्ट, तो हिंज सपोर्ट कुछ ऐसे बनता है इस तरीके से. दिस इज द हिंज सपोर्ट, और नीचे ऐसे डैश 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 कर देते हैं, ऊपर एक ये गोला कर देते हैं काला करके. दिस इज हिंज सपोर्ट. नाउ व्हाट इज द लाइक एप्लीकेशन ऑफ दिस सपोर्ट, इसके ऊपर कोई भी लोड आएगा ना, इसके ऊपर कुछ भी रखा है अगर आपने, ऐसे मान लो कुछ भी इससे मिलता जुलता रखा हुआ है और इसके ऊपर किसी भी तरीके का इफेक्ट आ रहा है, तो इसके पास कैपेसिटी है कि ये बॉडी को ऐसे नीचे नहीं जाने देगा, और इसके पास कैपेसिटी है कि ये बॉडी को साइडवेज में नहीं जाने देगा, ऐसे भी नहीं मूव करने देगा, ऐसे भी नहीं मूव करने का देगा, लेकिन लेकिन ये बॉडी को गिरने से नहीं रोक सकता. अगर रोटेशन आ गया, बेंडिंग आ गई, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा, बेंडिंग मोमेंट हैंडल करने की एबिलिटी इसकी नहीं है. दिस इज हिंज सपोर्ट विच कैन हैंडल ओनली वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल लोडिंग कंडीशन. नेक्स्ट, ये हो गया अपना हिंज सपोर्ट. नेक्स्ट सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट, रोलर, रोलर सपोर्ट. देखो बेटा, पढ़ते रहो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओ तो नाम बदल देना, क्वेश्चन 100% बनेगा. दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा देना, दिमाग में चीजों को देखने लग जाना, ये स्ट्रक्चर ऐसे लगाए, इधर हिल रहा था नहीं हिलेगा तो इधर से सपोर्ट लगा दूंगा, भैया ये है नहीं भेज रहा तो इधर सपोर्ट लगाऊंगा ना,
रिएक्शन डेवलप कराऊंगा ना तो नहीं जाएगा इधर, रिएक्शन डेवलप कराऊंगा तो नहीं जाएगा, रोटेशन रोकना है तो ऐसा कुछ डेवलप कराओ कि इसको होल्ड कर दे, कस के पकड़ ले यहाँ से, अगर कस के पकड़ लेगा तो नहीं मुड़ पाएगा। फाइन, रोलर सपोर्ट की बात करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, रोलर ऐसे बनता है, रोल, ये रोल हो गया, इसके नीचे करके ऐसे कर देते हैं। अब आप ही बता दो, पहिया है ये, व्हील है, क्या ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को हैंडल कर सकता है, रोक पाएगा ना? ये है, ये व्हील है, इसके ऊपर कुछ रख दिया और कोई इधर धक्का मार, भैया व्हील तो घूम जाएगा ना। इट मींस दैट दिस कैन नॉट हैंडल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। पहिए के ऊपर ये कुछ भी रख दो ऐसे कर, फील करना, मैंने आपको बोला फील करना, अगर फील करोगे तो सब कुछ कर जाओगे। इसके ऊपर कुछ ऐसे करके रख दो और छोड़ दो तो भाई घूम तो जाएगा, ऑब्वियस बात है, इसका मतलब ये घूमना में नहीं हैंडल कर सकता, ना ये बेंडिंग मोमेंट हैंडल कर सकता है, लेकिन हाँ व्हील के ऊपर चढ़ के बैठ जाओगे तो व्हील नीचे घुस नहीं जाएगा, किसी चीज के ऊपर रखा होगा ना। इट मींस दैट इट कैन ओनली हैंडल दिस टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज नोन एज द वर्टिकल फोर्स। इट मींस दैट द रोलर सपोर्ट हैज द कैपेसिटी टू हैंडल वर्टिकल रिएक्शंस, दैट्स इट। आ जाओ एक और नेक्स्ट सपोर्ट, सबसे मजबूत सपोर्ट, टिकाऊ सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट। अगर फिक्स्ड सपोर्ट की बात करते हैं, फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं तो नाम से समझ में आ रहा है, फिक्स है, हिलने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा किसी चीज को, ये है फिक्स्ड सपोर्ट। इसको बनाते हैं यहां से ऐसे करके, डैश 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 डैश, कुछ भी लगा दो इस पे, इस जगह पे इसके पास ताकत है, इट कैन हैंडल एनीथिंग, व्हाटएवर फोर्स यू वांट यू कैन अप्लाई। फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल रिएक्शंस को भी हैंडल कर लेगा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं मूव होने देगा, और अगर इसे मोड़ने की कोशिश करोगे इसके बाद किसी चीज को, तो इट विल डेवलप द बेंडिंग मोमेंट ऑल्सो। इट मीन्स दैट इट विल डेवलप ऑल द थ्री फोर्सेज रिक्वायर टू हैंडल द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ लोड। इफेक्ट ऑफ लोड कैन बी वर्टिकल लाइक दिस, क्या होता है ये अभी समझेंगे, ये इफेक्ट कौन सा होता है, ये इफेक्ट कौन सा होता है, एक्सिस के अलावा कौन सा इफेक्ट होता है, इस तरीके से जो आपका वर्टिकल आता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कौन सा इफेक्ट होता है पढ़ेंगे वो फोर्सेस में, और ये कौन सा इफेक्ट होता है। अभी तो हम बस इतनी बात कर रहे हैं कि क्या क्या लगाना है। चलो इतना समझ आ गया, क्या क्या समझ में आ गया, हिंज सपोर्ट क्या होता है, रोलर क्या होता है, और बेंडिंग मोमेंट को रोक ले ऐसा कौन सा सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट जो सब कुछ हैंडल कर लेता है। फाइन, अब बात कर लेते हैं फोर्सेस की, कि भाई फोर्स कौन कौन सी होती है। देखो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर फोर फोर्सेस को कवर करेंगे, बेसिकली जो हमारी चार तरीके की इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला फोर्स जो है विच वी हैव टू कवर इज एक्सियल फोर्स, AXIAL फोर्स। दूसरा फोर्स है, सेकेंड फोर्स विच वी हैव टू कवर इज शियर फोर्स, शियर फोर्स। थर्ड फोर्स विच वी हैव टू कवर इज यू ऑल नो विच इज माई फेवरेट एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट, मुझे मजा आता है एक्सप्लेन करने में बेंडिंग मोमेंट। और जो फोर्थ टाइप का फोर्स है दैट इज टॉर्शन और ट्विस्ट। ट्विस्ट करते हो ना जाके जिम में नहीं करते होगे तो कहीं और करते होगे, बट ट्विस्ट करते होगे, आई नो दैट, तो वो समझ जाएंगे, वहीं से रिलेट करके समझ लेंगे ट्विस्ट को। दीज आर द फोर टाइप ऑफ फोर्सेस, देखते हैं आज के लेक्चर में कितना डिस्कस कर सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फोर्स विच इज एक्सियल फोर्स। नाउ पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इसको एक बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं आपको 3D विजुलाइज करके, वो मजा आएगा तो समझने में। एक्सियल फोर्स का मतलब होता है एक्सिस, AXIAL, एक्सियल फोर्स। देखो समेशन FX जीरो था, समेशन FY जीरो था, और बेंडिंग मोमेंट जीरो था। ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाना। जो ऐसे नहीं जाना था एक्सियल, एक्सिस, इसका मतलब कोई भी अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर विच आई हैव, और मैं एक्सियल फोर्स की बात कर रहा हूं तो वो एक्सिस के अलावा होगी, यही एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेंथ वाइज एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। नाउ द एक्सियल फोर्स कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी टेंसाइल फोर्स और इट कैन बी कंप्रेसिव फोर्स। ये टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है और ये कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है। टेंसाइल का मतलब टेंशन, टेंशन, टेंसाइल फोर्स टेंशन देने वाली फोर्स, खींचने वाली फोर्स, खींचती है, दूर दूर करती है, दिस इज टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स मींस दबाने वाली फोर्स, कंप्रेस करने वाली फोर्स, एंड ऑल दीज फोर्सेस आर, दीज टू फोर्सेस आर एक्चुअली एक्सियल फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस। एक्चुअली एक्सिस मींस अगर टेंशन की बात करोगे तो फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एंड इफ यू लाइक वांट टू रिप्रेजेंट एज अ कंप्रेसिव फोर्स
then the force will be like this. This is a compressive force, jo daba rahi hogi, but all these forces will be along the axis, and that's why we know, call it as the axial forces. Fine, ye axial force ho gaya, axis ke along. Now, let's talk about next type of force, that is shear force. Shear force ki baat karte hain. Shear force, naam se samajh mein aa raha, shear force. शीयर फोर्स का मतलब होता है शीयर करने वाली फोर्स. शीयर क्या होता है तो ये भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा. ये और ये दोनों चिपका दिए, एकदम बढ़िया करके चिपका दिए, पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है. ऊपर से लोड आ रहा है, ये दोनों चिपके हुए थे, इन्हें फेविकोल लगा के चिपका दिया. फाइन, शीयर फोर्स का मतलब होता है वो वाली फोर्स जो इस टाइप के मूवमेंट को कराती है या हैंडल करती है. दिस इज नोन एज शीयर फोर्स. ब्रेड काटते हो ना, ब्रेड स्लाइसिंग, ब्रेड काटते हो ना, शीयर फोर्स. ब्रश करते हो ना सुबह सुबह, दांतों में अंदर जो खाते हो आपको सुबह निकालते हो ना, साफ करते हो, सब शीयर फोर्स की वजह से ऐसे ऐसे से निकलता है. दिस इज, दीज आर ऑल शीयर फोर्स लाइक दिस, समीशन एफ वाई जीरो शीयर फोर्सेस. लेट्स सी दैट, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बीम, लेट्स सी दैट दिस इज अ बीम विच वी हैव. ये हमारे पास बीम है और हमें शीयर फोर्स को डिस्कस करना है. वी वांट टू डिस्कस शीयर फोर्स. फाइन, यहां से एक लोड लगा देते हैं. ये फिक्स बीम है, मैं पहले ही बता चुका हूं, फिक्स बीम मतलब ये सब कुछ हैंडल कर सकता है. वहां से वो लोड लग रहा है, ये ऐसे है, ये फिक्स किया हुआ है, यहां से एक लोड लग रहा है. जब यहां से लोड लगाओगे तो ये सपोर्ट इसको इफेक्ट को रोकेगा, ये रोकेगा, ऑब्वियस ही बात है. इसका मतलब ये सपोर्ट जो है ये भी एक रिएक्शन डेवलप करेगा, मैंने आपको बताया. अगर ये लोड पी है तो ये सपोर्ट कम से कम पी तो डेवलप करेगा ही करेगा. समझना, यहां से पी लग रहा है, यहां से इसको रोक रखा. अगर मैं चाहता हूं पेन सीधा रहे एकदम से, तो ये जो फोर्स लगा लो कम से कम इतनी ताकत में ऊपर लगा रहा हूं ये इस तरीके से. इसका मतलब ये जो शीयर फोर्स लग रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थी, इसके परपेंडिकुलर है ये वाली फोर्स. अभी शीयर की बात ही नहीं कर रहा, ये जो फोर्स लग रही है वर्टिकल एक्सिस में, ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, ठीक है. ये वाला लोड यहां लग रहा है, ये लोड लग रहा है, इसका मतलब ये एक्चुअल में यहां से हैंडल हो रहा है, ये रोक रहा है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, मुड़ने नहीं दे रहा. बट एक चीज अगर आप ध्यान से देखो कि ये बीच में से भी कहीं से टूट नहीं रहा है. इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि यहां कहीं से बीच से टूट जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा. ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि बीच में से अलग हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है. इसका मतलब ये है कि जब ये स्ट्रक्चर बीच में से भी अलग नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे अलग नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं आपको इस तरीके से कुछ दिखाऊं, यहां पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे सेक्शन होंगे. अगर ये एक सेक्शन भी आप ले लेते हो, इफ यू विल टेक दिस सेक्शन, और इस सेक्शन पे भी, इस सेक्शन पे ये इस तरीके से टूट नहीं रहा है. समझो फिर से, यहां से एक लोड लग रहा था और यहां से इसको रोक रहा था, ये तो ठीक है. बट बीच में बहुत सारे पार्ट है ना, ये हमने फेविकोल से चिपकाया था, ऐसा नहीं हो रहा कि बीच से ऐसे ऐसे हो जाए. इट मीन्स दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम. यानी सुनना, दिस वॉज द सेक्शन विच वी हैव टेकन इन ऑर्डर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ शीयर फोर्स. इट मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ शीयर, the shear effect like this type of effect is being resisted at each and every section from this point to this point, and this effect is resisted and these two portion are basically attached even after the application of load. It means that is load ka effect is section pe bhi kahin na kahin neutralize hua hoga, ek section pe kahin na kahin neutralize hua hoga. Iska matlab, let's take this example. Agar if you'll take this as example फॉर अंडरस्टैंडिंग द शीयर फोर्स, ये आपके पास एक सपोर्ट था, दिस वॉज अ सपोर्ट, यहां पे हमने एक लोड लगाया हुआ, दिस इज द लोड विच इज एक्टिंग हियर. नाउ दिस इज द सेक्शन जो मैंने आपको सेक्शन बताया था, दिस इज द सेक्शन लाइक दिस, दिस इज द सेक्शन विच वी हैव टू स्टडी. नाउ दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग हियर, फ्रॉम हियर ऑल्सो द रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इट मीन्स दैट इफ यू स्टडी दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन शीयर होने से कैसे रोका हुआ है, कि ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स को रोकने के लिए एक फोर्स यहां डेवलप हो गया है और इस वाले फोर्स को रोकने के लिए एक फोर्स यहां डेवलप हो गया है. इसका मतलब सेक्शन पे ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स को इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम सेट कर रही है. ये ऐसे रुका हुआ था, यहां से लोड लग रहा था, जो यहां से लोड लग रहा था उस वाले लोड को रजिस्ट करने के लिए इस सेक्शन में यहां से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गई, यहां से जो रिएक्शन आया था उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहां से एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गई, और ये दोनों फोर्स जो हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं और ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये जुड़ा रह गया. इट मींस दैट द शीयर फोर्स, दिस इज द शीयर फोर्स विच इज बेसिकली एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच इज बीइंग डेवलप्ड एट ईच एंड एवरी सेक्शन, हर सेक्शन में डेवलप हो रहा होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस and this part of the body, between left and right part of any section. If the equilibrium is maintained,
देन दैट पर्टिकुलर फोर्स यू विल से दैट इज द शियर फोर्स. अगर आप ध्यान से देखो तो ये है एक क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है अगर ये पेन ऐसे रखा हुआ है और मैं क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूं तो ये वाला पोर्शन क्रॉस सेक्शन होता है. ये बीम ऐसे रखी इसको सीधा कर दोगे तो आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन एक दिखेगा. अगर आप ध्यान से इस फिगर में देखो तो ये जो शियर फोर्स है ये इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है, ये इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन के ऐसे करके जा रहा है. इट मींस दैट द शियर फोर्स इज बेसिकली पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन. तो शियर फोर्स इज व्हाट? शियर फोर्स इज दैट फोर्स दिस इज बीइंग डेवलप्ड एट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द बीम इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. इधर से वाले को इधर से न्यूट्रलाइज कर दिया, इधर वाले इफेक्ट को इधर न्यूट्रलाइज कर दिया, ये दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. तो ओवरऑल बीम जो है क्या हो गया? स्टेबल एक्सटर्नली इंटरनली. तो शियर फोर्स हर जगह से कैंसिल आउट हो गया. दिस इज नोन एज शियर फोर्स. लाइक दिस ब्रेड काटते हो, ब्रश करते हो, सब शियर फोर्स होता है. फाइन, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की. और बेंडिंग मोमेंट को थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं अलग तरीके से. जो हमने अभी पढ़ा हुआ है फोर्सेस, उन फोर्सेस को एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज करके देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी दिस. ये एक थोड़ा सा विजुअलाइज अगर आप कर पाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई हैव टोल्ड टू यू. ये आपके पास एक ये बीम है, मेरे पास स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ तो ये मेरे पास एक्सिस है. दिस इज योर एक्सिस. ये आपके पास एक्सिस है और इसमें जो फोर्स लग रही है ये इस एक्सिस के अलावा अगर आप फोर्स देख रहे हो तो ये जो फोर्स अभी आपके सामने प्रेजेंट है इस फोर्स को अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ये फोर्स इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है अलोंग द एक्सिस. इफ यू कैन सी दैट, ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है. इट मींस दैट दिस इज कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स. कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसको दबाने की कोशिश कर रहा है. तो ये हमारी एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स हो गया. नेक्स्ट अगर आप देखते हो इसको तो ये एक्सिस के अलोंग खींचने की कोशिश कर रहा है. तो ये हमारा हो गया एक्सियल टेंसाइल फोर्स. खींच रहा है इसको आगे की साइड, लंबा करना चाह रहा है, लेंथ को ज्यादा करना चाह रहा है. तो इसको एक्सियल टेंसाइल फोर्स बोल सकते हो. इसी तरीके से आपने जो नेक्स्ट फोर्स पढ़ा था जो हमारा था शियर फोर्स, अगर आप यू कैन सी दिस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ शियर. ये हमारा जो इफेक्ट यहां पे आपको दिख रहा है दिस इज द इफेक्ट ऑफ शियर. ये देखो मैंने बताया आपको दिस टाइप ऑफ सेक्शन. ये सेक्शन एक लिया हुआ है आपने, यहां से कोई फोर्स आता है वो इधर से न्यूट्रलाइज हो जाता है, यहां से कोई फोर्स आता है वो इधर से न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसका मतलब बीच में जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, दिस दीज आर द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हिच आर गेटिंग न्यूट्रलाइज. और अगर न्यूट्रलाइज नहीं होंगी एक तरफ से भी ज्यादा आएंगी तो ये नीचे चला जाएगा. दिस इज नोन एज शियर फोर्स. आई गेस आई हैव मेक माय पॉइंट क्लियर और हमने काफी चीजें क्लियरली समझ ली है यहाँ पे. तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपको जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, अगर आप उसे ध्यान से कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे तो सब चीजें समझ में आ जाती है. तो हमने अभी तक कितना पढ़ लिया? हमने स्टेबिलिटी, डिटरमिनेंसी, इंडिटरमिनेंसी कॉन्सेप्ट देख लिया है, हमने सपोर्ट्स देख लिए हैं और हम लोगों ने फोर्सेस देख लिए हैं. थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं बेंडिंग मोमेंट क्योंकि और टॉर्जन दोनों एक चीज से मिलते जुलते हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तब तक के लिए जस्ट कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग. जस्ट रिवाइज दिस लेक्चर एंड ट्राई टू नोट डाउन बेसिक पॉइंट्स. और जब भी नोट करो, मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था, लास्ट वाला वीडियो देखना कि किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए. नोट्स को जैसे मैं बनाता हूँ ना फिगर से शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा ऑब्स्क्योर करके बनाना जिससे यू कैन लाइक इंटरलिंक योर ब्रेन विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम. फाइन, सो दिस इज एएस पांडे साइनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करवा दूंगा कुछ टाइम में. तो इसी तरीके से चलते रहेंगे. कोई भी टॉपिक में डाउट आता है यू कैन जस्ट राइट डाउन द टॉपिक बिलो. ये जो हम लोग यहाँ पे फेज डिस्कस कर रहे हैं दिस इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ अवर न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कैटलिस्ट 1.1 जो हमने लॉन्च कर दिया है. तो अगेन विल मीट soon. This is A.S. Pandit.